स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, बहुत ही इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज मैं उन्हीं के बेस पर जो 10 ईयर्स में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि RRB में, CLAT में, या फिर कभी कभी किसी भी कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट होता है उसमें भी आपका एप्टीट्यूड जरूर आता है और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आता है, उसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो कि लास्ट वीडियो पर ही बेस है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर इज। प्लेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो उसमें 3 का प्लेस वैल्यू हमें बताना है, जो 3 है उसके सम का। अब इसमें जो नंबर, अच्छा इतना नंबर, अब वहां पर आपको एक नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आप सपोज मैं कोई भी नंबर आपका लेती हूँ, 5, 3, 2, 3, 0, आपका नंबर इस तरह से कोई भी नंबर दिया जाएगा, तो प्लेस वैल्यू आपको निकालना आता है। सबसे पहले इस वाले 3 की आप प्लेस वैल्यू निकालिए, ठीक है, क्योंकि जितनी आगे डिजिट होती है उतनी हम 0 लगा देते हैं। प्लस अब इस वाले 3 का निकालिए, आगे एक डिजिट है तो 1 0 हम लगा देंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत ही इजी और स्टेप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर 5, 2, 7, 4, 3, 5 इज। इसमें नंबर आपको दिया है तो उसमें डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू के बीच का 7 और 3। तो सबसे पहले दोनों की प्लेस वैल्यू निकालिए, उसको माइनस कीजिए। सबसे पहले 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आगे कितनी डिजिट है आपकी, 1, 2, 3, और माइनस कर दीजिए 3। कितनी डिजिट है 3 के आगे, 1, तो 30, ठीक है। देन द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द न्यूमरल इज। अब डिफरेंस निकालना है, लोकल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेस वैल्यू। तो लोकल वैल्यू पहले निकालते हैं, प्लेस वैल्यू 7 की, 7 की प्लेस, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कितनी डिजिट है 7 के आगे, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 उतनी ही हम 0 लगा देते हैं। एंड माइनस करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था मिरर, मिरर में जो भी चीज हम सामने रखते हैं वही हमको दिखती है। ऐसी फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, अगर उसका फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, जो भी वो नंबर लिखा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, माइनस 7, 9, 9, 6 यही आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अच्छा, अब नंबर बनाना मैंने आपको सिखाया था, 3 digit, 4 digit नंबर। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। इफ द लार्जेस्ट 3 digit नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर, देन द रिमाइंडर इज। सबसे पहले लार्जेस्ट 3 digit नंबर लिखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप भी पहले मेरी वीडियो को पॉज करके खुद लिखिए। लार्जेस्ट 3 digit नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, मैं इसमें 9, तो 1, 2, 3, 9 से बड़ा तो कोई नहीं होता ना, 0 से लेके 9 तक ही डिजिट जो बना सकते हैं, 0 से 9 जो इतनी भी डिजिट है उनसे ही सारे नंबर बनते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो। अब स्मॉलेस्ट का 5 digit नंबर, एक मिनट रुकिए, स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको कोई 0 होता है, लेकिन 0 से अगर कोई चीज स्टार्टिंग हो रही है उसकी वैल्यू नहीं होती, मतलब नंबर के लेफ्ट साइड 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट साइड लगाने पे वैल्यू, तो 0 के बाद सबसे छोटा नंबर 1। तो सबसे पहले हमारा हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पूछा जाए, 1 से स्टार्ट होगा और जितने भी डिजिट का उसके आगे जितनी डिजिट बनी हुई है उसके आगे हम हमेशा 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए 5 digit का बन गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें से हम हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है ना भाई, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस होता है तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे हम, 9, 9, 9। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5. इसमें भी आपको नंबर बनाना है लेकिन इसमें लिमिटेशन दे दी है. जो इसमें हमें क्या लिमिटेशन दे दी है वो नंबर 3 से स्टार्ट होना चाहिए एंड एंड 5 पर होना चाहिए. 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर है तो 2 डिजिट तो हमारी डिसाइड है ही. अब हमें 3 डिजिट डिसाइड करनी है. मैंने आपको बताया था कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है, 0, तो लगा देते 0. 3000 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट का नंबर हो गया. यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट. कोई दिक्कत यहां तक? कोई नहीं. नेक्स्ट. अच्छा अब इसमें आपको और दे रखा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2407. अब इसमें मिनिमम नंबर मतलब भी स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है जो कि 2407 से बनता है 4 डिजिट का. अब इसमें भी एक लिमिटेशन आपको दे दी है, केवल ये 4 डिजिट ही यूज होंगी. ठीक है. अब वहां पर देखिए 0 से हम नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते तो 0 से बाद हम जाएंगे सबसे छोटा. भैया 1 तो है नहीं, 1 के बाद सबसे छोटा 2 है क्योंकि हमें इन्हीं उसमें से लेना है, हमें अपने मन से डिजिट नहीं लेनी है. तो सबसे छोटा नंबर 0 के बाद जो है 2. हाँ अब हम 0 लगा सकते हैं, सबसे छोटा 0. फिर अब हम देखेंगे उससे बड़ा. जब भी हम स्मॉलर डिजिट नंबर बनाते हैं और हमें कोई पर्टिकुलर डिजिट दी गई है, स्मॉलेस्ट नंबर जब भी हमें बनाना होता है, जितनी भी हमें डिजिट दी है, जितना भी हमें डिजिट का नंबर बोला है, तो हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज करते हुए. ठीक है, छोटे से बड़ा और डिक्रीजिंग फॉलो करते जब हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है. तो 20 उससे बड़ा 4 उससे बड़ा 7. यानी कि ऑप्शन है क्या इधर? यस, ए इज करेक्ट. व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 9. अच्छा यानी कि ये क्या पूछ रहा है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक. अब ये तो क्या है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सबका स्क्वायर निकाल के प्लस करना. यहाँ पर आप निकाल भी लो, अगर सपोज मैंने 25 डिजिट का नंबर दे दिया तो आप नहीं निकाल पाओगे. तो इसका आप एक फॉर्मूला नोट कीजिए. उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, 1 + 2 + 3 से लेके एन डिजिट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n n + 1/2. लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, 1/6 n + 1 2n + 1. ये इसका फॉर्मूला है. डायरेक्ट आप निकालिए, जो सीरीज से आप डिराइव करिए एपी. लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे फॉर्मूले को ड्राइव करके ये फॉर्मूला निकाल सके. बेटर है, मैं यहाँ पर 5 से 6 फॉर्मूले होंगे, आप डायरेक्ट उनको लर्न कर लीजिए. बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए. ठीक है, तो ये तो सम ऑफ एन सीरीज का हमारा हो गया, एन सीरीज का. और ये वाला फॉर्मूला हम किसके लिए लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए, एन स्क्वायर सीरीज का. तो अब देखिए इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट. तो आपकी नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर कितनी है, 1 से लेके 9 डिजिट का निकालना है तो 9. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब n+1 यानी कि 9+1, चलिए मैं पहले लिख देती हूँ, 2n+1 यानी 2 × 9 = 18 प्लस 1 यानी कि ये आपका आ जाएगा 1/6 × 9 × 10 जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 285 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कीजिए. क्योंकि मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मैथ्स कह लीजिए किसी में भी, आपको जरा भी डाउट ही रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही रटे रटाए नहीं आते हैं, इस बेस पर आने चाहिए. इसलिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इफ एन इन एन इंटीजर बिटवीन 20 to 80 देन एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी n+7 एक्सेप्ट. अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके अब जो ऑप्शन है हम उससे निकालेंगे आंसर. कभी कभी मैं ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कैसे, अब n की वैल्यू 20 से 80 के बीच में होनी चाहिए. तो इसमें से पूछा है n+7 जब हम करेंगे, यानी n की वैल्यू निकाल के उसमें 7 ऐड करेंगे, तो उसमें से क्या नहीं हो सकता है. मतलब 3 ऑप्शन तो होंगे लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर निकाल के देखते हैं. अच्छा अब n की वैल्यू 47 कब आई होगी, जब n की वैल्यू 40 आई होगी तभी तो n+7 47 आया होगा. ठीक है स्टूडेंट. अच्छा अब यहाँ पर 58 रखकर देखिए, 58 कब आया होगा, यानी 58 में से -7 माइनस कर दीजिए, यानी n की वैल्यू
51 रखी होगी तो n प्लस 7 58 आया होगा, ठीक है। अरे भाई देखे क्या करना है आपको, अगर नहीं समझ आ रहा, आपकी जो n की वैल्यू है वो 20 से लेके 80 के बीच में होनी चाहिए, ये आपको क्लियर है। तो आप इसमें से 7 और 8 प्लस 7 मतलब जब हम उसमें 7 ऐड कर दें तो आप 7 माइनस कर करके इन ऑप्शन में देख लीजिए, वही n की वैल्यू होगी। अगर 20 से लेके 80 के बीच में n की वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब वो ऑप्शन सही है, और जिसकी वैल्यू रेंज से बाहर आ जाए वो ही ऑप्शन आपका गलत है। मैंने 47 में से माइनस 7 करा तो मुझे n की वैल्यू मिल गई 40, और जब मैंने 58 में से माइनस 7 करा तो मुझे n की वैल्यू मिल गई 51। ये दोनों ही मेरे 20 से लेके 80 तक के रेंज में आ रहे हैं जो कि n की वैल्यू हो सकती है। अब 84 के लिए भी मैं 84 में से 7 माइनस करूंगी तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी 77 मुझे मिल जाएगी जो भी इस रेंज के। लेकिन 88 कब आएगी, जब मैं 81 होगी n की वैल्यू, तो 81 प्लस 7 88 आ जाएगी, यानी कि ये आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए तो किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी नहीं था, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको बस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। इफ द नंबर फ्रॉम 1 टू 24 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर व्हिच नंबर विल बी एट द 8th प्लेस फ्रॉम बॉटम। आपसे पूछ रहा है 1 से लेके 24 नंबर पहले हम लिखते हैं, ठीक है, और वो डिविजिबल है 2 से, तो सबसे पहले 2 से नंबर लिख लीजिए आप, क्या आएगा आपका 2, 4, 6, 8, यानी 2 की टेबल लिख लीजिए 16, 18, 20, 22 एंड 24, ये आपके नंबर होगा, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते 1 से 24। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा। अब मैं नंबर को लिख लेती हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में 24, 22, 20, ठीक है, असेंडिंग नहीं है डिसेंडिंग है, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 एंड 2, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, अब इसमें पूछ रहा है 8th प्लेस कौन सी होगी बॉटम से लेके, बॉटम से पूछ रहा है, ये हो गया आपका टॉप, ये यहां से आपका टॉप होता है ना, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आप जाइए, टॉप टू बॉटम आप जाइए, ठीक है, ये तो टॉप टू बॉटम, यानी ये हमसे यहां से पूछ रहा है 8th, यहां से हमें 8 पूछ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉटम से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, टॉप से पूछता तो हम 24, 22 ऐसे काउंट करते, बॉटम से पूछ रहा है तो हम 2, 4, 6 लास्ट से फर्स्ट तक चलेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसका लॉजिक आप लोग खुद पहले लगाइए, मेरी वीडियो को पॉज करके फिर बताइएगा, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 101 टर्म्स तक है, पूछ रहा 101 टर्म कौन सी होगी, यानी कि हम 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 ऐसे करते हुए जाएंगे तो 101 टर्म कौन सी होगी। तो आप इसमें पहले एक चीज देखिए, एक चीज इसमें देखिए, जो ये ऑड नंबर पर आ रही है ये सब पॉजिटिव है, और जो ये इवन नंबर पर आ रही है ये सब नेगेटिव है, ऑड वाली पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे ही करते 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 हम कहां पर चले जाएंगे, 100 तक, 100 हमारी इवन है, यानी कि 100 हमारी क्या आ जाएगी, माइनस 2, भाई जो ऑड वाली प्लेसेस हैं ये कैसी प्लेसेस हैं, आपकी पॉजिटिव, और इवन नंबर पे आपकी आ रही है माइनस, यानी ऐसे करते करते हम 100 टर्म जो हमारी होगी, 100 टर्म हमारी नेगेटिव होगी माइनस 2, इसके बाद 101 टर्म क्या होगी, ऑड टर्म है, 101 टर्म प्लस 2, यही तो चल रहा है, ऑड टर्म्स 101 टर्म हमारी प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जितनी भी ऑड टर्म है वो सब प्लस है और इवन टर्म माइनस, तो कुछ भी नहीं था इसमें, 2 सेकंड का काम था लॉजिक लगाने में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 98 टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा अब हमें इसकी 98th टर्म निकालनी, तो जरा इस सीरीज को एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कह रही है सीरीज, 1
टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यानी आगे भी वन टू थ्री फोर ऐसी होगा, यानी हर फोर्थ फोर्थ टर्म के बाद जो फिफ्थ टर्म है उससे फिर से जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है और 98 टर्म हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम छोटा कर देते हैं टर्म को, मतलब आप बताइए वन टू थ्री फोर, फिर फिफ्थ से वन टू थ्री फोर, यानी कि फोर की जो टेबल आ रही है ना, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, उस पर फिर से वन आ रहा है क्योंकि वो रिपीट होना शुरू हो जा रही है ना फोर के बाद से, ठीक है। वन नहीं सॉरी, उसके बाद वन आ रहा है, वन टू थ्री फोर, अब उसके बाद फिर वन आ रहा है, फोर की जो टेबल है, फोर की टेबल फोर वन जा फोर, इसके बाद फाइव सिक्स सेवन एट, फिर से फोर खत्म, वहां पर फोर आ रहा है, अब सिक्स सेवन एट, ठीक है, फिर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, फिर से ट्वेल्व जो टेबल आएगा वो ट्वेल्व टर्म तक, फोर तक खत्म, फिर थर्टीन टर्म, फोर्टीन टर्म, फिफ्टीन टर्म, सिक्सटीन टर्म, सिक्सटीन टर्म तक फिर से ट्वेल्व आ जाएगा आपका, यानी कि जो फोर की टेबल है ऐसे करते करते हम 96 तक जाएंगे। 96 पर हमारी कौन सी टर्म आ जाएगा, 96 टर्म हमारी कौन सी होगी, नंबर फोर, यही है। कैसे भाई, फोर के टेबल में 96 आता है ना, तो हर फोर के टेबल जो है रिपीट हो रही है, कैसे, वन टू थ्री फोर, अब जो फिफ्थ टर्म है फिर से रिपीट हो गई, यानी फोर टर्म्स के बाद फिफ्थ टर्म फिर रिपीट हो गई, फिर वन टू थ्री फोर चला, ठीक है, फिर नाइन टर्म रिपीट हो गई, टेन इलेवन ट्वेल्व, फिर थर्टीन टर्म रिपीट हो गई। तो ऐसे करते 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 आप देखिए 96 तक पूरा 96 तक पूरी फोर टर्म आ चुकी होगी, 96 टर्म जो हमारी होगी वहां पर फोर आ चुकी होगी डिजिट। कैसे, इससे पहले नंबर कौन सा होगा 95, फिर इससे पहले होगा हमारा 94, फिर इससे पहले हमारा होगा 93, इस टाइप से, यानी 93 टर्म हमारी होगी वन, ठीक है, ये वन, ये आपकी टू, ये आपकी थ्री, और 96 टर्म फोर। अब 97 टर्म कौन सी होगी वन, 97 टर्म कौन सी होगी वन, और 98th टर्म कौन सी हो जाएगी टू, 98th टर्म आपकी हो जाएगी टू, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से आपको लॉजिक लगाना होता है, मुझे यह टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुरंत इसमें लॉजिक लगता है, 10 से 15 सेकंड के बीच में लॉजिक है, बल्कि इतना भी नहीं है, वन टू थ्री फोर आप तुरंत सोचोगे फिफ्थ टर्म फिर रिपीट हो रही है, यानी फोर की टेबल में मतलब 98 टर्म से पहले पहले कहां तक, फोर तक खत्म हो जाएगा, तो आप देखोगे 96 टर्म तक, फिर से 97 से स्टार्ट हो जाएगा रिपीट, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बने। क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बी द डिजिट ऑफ अ नंबर बिगनिंग फ्रॉम लेफ्ट, द नंबर इज एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये हमें डिजिट दे रखी है और लेफ्ट से ये डिजिट स्टार्ट होती है, यानी एक्स से लेके जेड तक, और हमें बताना है कि इसका नंबर क्या हुआ। तो देखिए नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था नंबर फॉर्म करना, वन्स डिजिट पर जो लिखा होता है उसे मल्टीप्लाई बाय वन, फिर टेंस डिजिट पर जो लिखा होता है उसे मल्टीप्लाई बाय टेन, हंड्रेड पर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, इस तरह से सबको प्लस करके हमारा नंबर बनता है। तो चलिए इसमें भी हम बना रहे हैं, क्या दे रखा है एक्स, अब एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, लेफ्ट टू राइट ऐसे कह रहे हैं, अब डब्ल्यू वन्स पर है, यानी डब्ल्यू इंटू वन, जेड इंटू टेन, टेंस डिजिट पर है ना, वन्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यही चीज है, अब हंड्रेड इंटू फाइव, और इसके बाद थाउजेंड इंटू एक्स, यानी कि ये आपका बन गया थाउजेंड एक्स प्लस हंड्रेड वाई प्लस टेन जेड प्लस डब्ल्यू, शॉर्ट फॉर्म में, और इसे कैसे लिख सकते हैं, पावर लगाकर, प्लस कोई भी इनमें से ऑप्शन आ जाए, ऐसे भी दे सकता है पावर, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है, टेन जेड प्लस डब्ल्यू, दिस विल बी द, अभी देखिए इसमें यहाँ एक ऑप्शन ये ए दे रखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, लेकिन नहीं, नंबर कैसे बनता है, मल्टीप्लाई करके सब प्लस होके, यही मैंने बताया था ना, तो ये आपका हो गया। अब इसमें से आप देखिए कौन सा करेक्ट है, इसमें से करेक्ट है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दे रखा, नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि कभी कभी करेक्ट भी होता है। तो आपको ये समझ आ गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी क्यू 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू,
अब इसमें फोर ऑप्शन दे रखे हैं, क्या हमसे बोल रहा है पी क्यू दो इंटीजर है और कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब p इंटू क्यू की वैल्यू मतलब p का जब मल्टीप्लाई करेंगे q में तो उन दोनों की वैल्यू 64 आती है, तो आपको बताना है p प्लस क्यू इनमें से क्या नहीं हो सकता, यानी कि चार ऑप्शन है इनमें से तीन p प्लस क्यू देंगे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो p प्लस क्यू की वैल्यू हो ही नहीं सकती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले p और q की वैल्यू अलग अलग पता होनी चाहिए, इसके बाद ही तो हम प्लस कर सकते हैं, तो देखिए कैसे, ठीक है। अब देखिए p q हमारा 64 है जो क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है यहां पर q को ले गए, ठीक है। अब सपोज p पॉजिटिव इंटीजर है तो हम 1 से रखना शुरू करते हैं, 0 के पास से 1 से रखना हम शुरू करते हैं, हम रखते हैं q की वैल्यू 1, ठीक है q की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, q की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो p की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आ जाएगी 64, क्योंकि 64 by 1 is equal to 64, ठीक है। तो 64 p plus q क्या हो जाएगा 64 plus 1 यानी कि 65, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा हट गया, यानी ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा कौन सा नहीं होगा, ये नहीं पूछा कौन सा होगा। अब नेक्स्ट, अब मैं क्यू की वैल्यू आपकी 2 रख देती हूँ तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 64/2 कितना हो जाएगा 32, और यानी कि पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा 32 + 2 = 34, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्यू की वैल्यू आपकी 3 नहीं रख सकती, पूरा पूरा डिवाइड वाला रखेंगे वो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू मैं फाइंड करनी है कभी कभी मैं ऑप्शन की जरूरत है, ये जो ऑप्शन दे रखी है 4 इनसे ही मैं निकालनी है, कोई भी वैल्यू या पॉइंट में नहीं है तो हम सिंपल 1, 2, 3, 4 ऐसे ही इंटीजर रखकर देखेंगे। 3 नहीं रख सकते क्योंकि 64 3 के टेबल में नहीं आता, 4 रखते हैं हम, ठीक है ये ध्यान रखना। तो 4 का डिवाइड जब हम 64 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि p प्लस q की वैल्यू आपकी हो गई 16 + 4 = 20, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा हट गया। वैसे अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं, जो p प्लस q हमारा भी 34 आया था ना, इससे ही हमें पता चल जाता है कि 35 नहीं हो सकता, क्योंकि जब 34 इतना पास में आ गया तो 35 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ, कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आया, ठीक है पूरा करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं 65 वैल्यू नहीं रख सकती हूँ क्योंकि पूरा, 6 भी नहीं रख सकती, 7 भी नहीं रख सकती क्योंकि इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा 64 से, अब डायरेक्ट मैं 8 पर जाती हूँ, तो q की वैल्यू मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ, मैं 8 रखती हूँ तो p की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 8, यानी p प्लस q क्या हो जाएगा 8 प्लस 6, यानी ये भी ऑप्शन हट गया, मात्र कौन सा ऑप्शन बचा, केवल ये वाला, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखा आपने, इसका कोई भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगा जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इनफैक्ट आप मेरी वीडियो को नंबर सिस्टम की बिगनिंग से फॉलो कीजिए, लास्ट मैंने जो पार्ट 1 बताया था अभी लास्ट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बेसिक समझाया था, तो आपका मुझको भी क्वेश्चन जहाँ तक है मिस नहीं होगा, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ नंबर सिस्टम पूरा की पूरा कवर करवाने को, और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर, अभी हमने एन एन प्लस 1/2 पढ़ा था, तो वो किसके लिए पढ़ा था, सम ऑफ ऑल एन नेचुरल नंबर के लिए, और एक स्क्वायर के लिए भी हमने पढ़ा था 1/6 वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ ऑड नंबर पूछ रहा है, पहले ऑड नंबर में लिख के बताऊं क्या पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है यहाँ से लेके 25 तक कितना होगा, इसका फर्स्ट ऑड नंबर का सम कितना होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल, आप सोचोगे इसका तो हम कर ही सकते हैं 25 में 25 प्लस ऐसे, लेकिन अगर आपको सपोज 100 का आ गया तो आप कहां तक लिख कर करोगे, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले टू नेचुरल नंबर का, टू नेचुरल ऑड नंबर का लेते हैं, 1 + 3 = 4 आ जाएगा, फिर 1 + 3 + 5 = 9 आ जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है ये आपका 16 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर इसमें आप एक चीज क्या कॉमन देख रहे हैं, जब हम टू और नेचुरल नंबर का सम कर रहे हैं उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो जितने नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर आ रहा है, 3 नेचुरल नंबर का हम सम कर रहे हैं और नेचुरल नंबर का तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, 4 और नेचुरल नंबर का हम सम कर रहे हैं
तो 4 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि अगर हम 25 नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 नहीं करते, यानी कि इसका एक फॉर्मूला बन गया n स्क्वायर। आपसे जितने मर्जी चाहे और नेचुरल नंबर पूछे, फर्स्ट और नेचुरल नंबर आपसे 200 तक पूछ ले, 300 तक पूछ ले, आप उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 625, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 नंबर है, 25 का स्क्वायर, यानी आप कितना इजी ये हो गया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर से भी हो गया। इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं है, कैसे, जितने भी आपसे पूछे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर, 30 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल हो गया। तो ऑप्शन बी 625 इज करेक्ट। अच्छा, अब इसमें मैं बात कर लेती हूँ, अगर आपसे इवन नंबर का पूछ लिया तो देखिए, इवन नंबर पहले लिखिए, ठीक है, आपसे सपोज इतने इवन नंबर का भी पूछा है तो आप कर लोगे, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो इसमें से आप क्या करोगे, आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, बस एक फॉर्मूले से देखिए, मैं सारे फॉर्मूले निकाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें आप अगर डायरेक्ट लर्न करके जाओ वो आपके लिए, क्योंकि वहां पर एक एक सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि फॉर्मूला ड्राइव कर सको। एबीसीडी से ड्राइव हो सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना, डेरिवेटिव आप करो उसका, ठीक है, ड्राइव करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो डायरेक्ट आपको एकदम माइंड में क्लिक करना चाहिए, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कुछ ही सेकंड्स में आपका नंबर आ जाए, तो ठीक है। अब इसका एन एन प्लस वन बाय टू होता था ना फॉर्मूला, तो ये टोटल 5 नंबर है, 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो एन एन प्लस वन बाय टू यानी 5 इंटू एन प्लस वन कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा आपका 15, यानी आ जाएगा, यानी कि अगर हमसे सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर पूछता है तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया, जो नेचुर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर होते हैं उसमें मल्टीप्लाई बाय अगर हम 2 करते, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एन एन प्लस वन बाय टू होता था, इसमें मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो इवन नंबर का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, एन एन प्लस वन। देखिए ऑड का कितना सिंपल हो गया, इवन का हो गया, और इवन का मैंने एन एन प्लस वन बाय टू से ही निकाला। बस अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाए इवन का, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो गया, इतना सिंपल होते हैं आपके। तो इसमें ऑड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर आपको हो गया एन एन प्लस वन बाय टू, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर एन एन प्लस वन, यानी कि उसमें से 2 का मल्टीप्लाई और कर देना है, और सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर, बस हो गए फॉर्मूले, ऐसे निकलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन एक और पूछ लिया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, अब इसका फॉर्मूला आप लगा दो, 1/6 मेरे साथ साथ आप करिए, एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन, अब लगाइए इसमें, फर्स्ट 20 है तो एन की जगह हम 20 रख देंगे, और इधर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर 20 प्लस 1 21, और इधर 2 इंटू एन, सबसे पहले 20 इंटू 2 40 यानी 41, कट कर दीजिए आप जैसे भी आप करना चाहे, यानी 70 इंटू 41, और ये तो बहुत इजी बन गया, यानी कि इसका आ जाएगा कितना, आ गया आंसर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप बताइए, आपको कोई भी दिक्कत हो मेरी वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताइए। इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें कुछ भी आप लर्न नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर्मूलाज अगर आप डायरेक्ट लर्न करना चाहें, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैंने दोनों वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा ट्राई किया है। और अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। So we'll meet you in next session. Till then, bye bye. Take care, student.